अध्याय 20। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया, और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर वो यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूर्या की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने ये सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के पुरुरुस का पुत्र सोपत्रुस और थिसलुनिकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिम्युथुस और आसिया का तखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोड़ते रहे, और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वो अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितु लेने में आए, और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियूस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में लगान किया। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वो जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पिंतेकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में से जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानू, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लोहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी
ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा, पर अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी को चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि ब्रूस ने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सबके साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया।